और हमारे मुख्य यजमान श्री अंशुल गुप्ता जी और हमारे सदर विधायक पंकज गुप्ता जी, साथ ही साथ और उसी कारण में गौशाला के निर्माण में बुजुर्गो ट्रस्ट के लिए जो सेवा माता का कर सकते हैं। तो अभी कल के पूछना चाहते हो राजस्थान में किसकी सरकार है? एक बूढ़ी महिला अपनी जमीन बचाने के लिए आगे आ रही है। मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, बोला उस महिला ने कहा मैं बेटी हूँ लेकिन राजस्थान में मैं मर सकती हूँ लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगी। और जैसे भी चढ़ा दी गई, यदि प्रियंका गांधी महिलाओं की इतनी हिमायती हैं तो पहले राजस्थान की महिला के जिसके ऊपर जैसे भी चढ़ाएगी उसके साथ न्याय दिलाए। राजस्थान में जिस तरह से हरजनों को, एक हरजन नौजवान लड़के को 5-6 लोग डंडे से पीट पीट करके उसकी डेड बॉडी उसके घर में फेंक दिया, क्या प्रियंका गांधी बोली? मायावती बोली? अखिलेश बोले? कोई बोला? क्यों? घटना कहीं नहीं होनी चाहिए, घटना कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हो जाए तो सारा मानव अधिकार, सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में आती हैं। क्या पश्चिम बंगाल में जाने की हिम्मत नहीं है किसी की? क्या मेरे महाराष्ट्र में दो संत मारे गए, चिल्लाते रहे, पुलिस के हाथ पकड़े, पुलिस ने झटक दिया, निर्मम हत्या की गई, क्या अब तक कोई बोला उन संतों की हत्या पर? क्यों नहीं बोला? क्या वो भारत के लोग नहीं है? क्या वो संत नहीं है? मुझे आज भी पीड़ा होती है, बारे मेरे देश के लोगों, संत की निर्मम हत्या 500 लोगों के बीच में घेर करके मारा जाए मनु की तरह, तुम चुप हो? तब मानव अधिकार कहाँ गया? तब प्रियंका, राहुल, ये जितने भी अपने को सेक्युलर बोलते हैं कहाँ गए? मुझे पीड़ा होती है कि जब इस तरह की राजनीति होती है। विकास, यही प्रदेश में विधायक भी रही हुई यहाँ, 6 घंटा लाइट कटौती होकर मिलती थी और उसमें भी 10 बार कटौती होती थी। कम से कम एक एक जिले में 6,000 गांव मजरे पड़े थे, लाइट नहीं पहुंची थी। आज वहां लाइट पहुंच रही है, किसानों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। मेरे विभाग से 3 करोड़ के लगभग ग्रामीण और शहरी लोगों को आवास दिए गए। 2-4 बच्चे एक माँ बाप को रोटी नहीं खिला पाते, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, कम बात? यही उत्तर प्रदेश है, महाराज जी को मालूम है मथुरा के अंदर क्या कांड हुआ था जमीन को लेकर के, मुजफ्फरनगर के कितने दंगे हुए थे, आए दिन दंगे होते रहते हैं।